अब मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहने लगी कि मेरा सीन है, मैं जा रही हूँ। अच्छा मुझे उसकी सर्कट से पता लग गया, स्टार ते वड्डी बढ़ेगी। क्या कहने? खैर 15 मिनट बाद आई और आगे कहने लगी कि हाँ जी आपने कुछ कहना था। अब फिर मुझे भी कहीं जाना था, मैं क्या, मैं आपको रात को फोन। खैर मैंने इनको रात को फोन किया, पूरा रोल समझाया। इस लड़की ने उस रोल को क्या निभाया, कोई ताली नहीं बजाएगा, सिर्फ उस ड्रामे का राइटर ताली बजाएगा। अरे वाह, हमारी आज की मेहमान, हमारी आज की मेहमान हर्ष। ये लड़की मुझे पहली दफा एक चैनल में मिली, मैंने उसी चैनल के ड्रामे में इनको देखा तो मैंने कहा होता ना ऐशा कि अच्छा। अब हुआ क्या कि मैं भी एक ड्रामा लिख रहा था, उसमें एक बड़ा जबरदस्त किरदार था जी। मुझे कहा गया कि ये लड़की है, मैंने कहा हाँ मैंने इसको देखा है, ये तो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करती है। तो मुझसे कहने लगे कि साथ वाले कमरे में बैठी हुई है तो मिल ले। अब मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहने लगी कि मेरा सीन है, मैं जा रही हूँ। अच्छा मुझे उसकी सर्कट से पता लग गया, स्टार ते वड्डी बढ़ेगी। क्या कहने? खैर 15 मिनट बाद आई और आगे कहने लगी कि हाँ जी आपने कुछ कहना था। अब फिर मुझे भी कहीं जाना था, मैं क्या, मैं आपको रात को फोन। खैर मैंने इनको रात को फोन किया, पूरा रोल समझाया। इस लड़की ने उस रोल को क्या निभाया, कोई ताली नहीं बजाएगा, सिर्फ उस ड्रामे का राइटर ताली बजाएगा। अरे वाह, तुसी सारे राइटर हो ड्रामे दे। उन्हां ने भी अपने अपने लिखे। आजकल एक ड्रामा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, एक ड्रामा है फेरी टेल, उसमें अगर आपने किसी को कास्ट करना है आशा, तो आपको फेरी टेल मतलब परी की कहानी, तो उसमें आपको परी को कास्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। ये इस वक्त मेरे मुल्क के दिलों की परी है, सहर खान। थैंक यू। आपके वाह 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 वाह, ओए परी है ये तो हर फैन के सर पे चढ़ी है भैया, इसलिए कि ये अपने काम में बहुत खरी है। आज माशाल्लाह परी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पास लोकल सा जिन भी मौजूद है। ए ओ नलायक जिन ने जेड़ा गायब होना भूल गया। मैं जिन्ना। जिन्नी किधर है तुहाडी? जिन जिन्नी ते बगैर जिन नहीं होंदा। मुकम्मल नहीं होंदा। हां मुकम्मल नहीं होंदा। बहुत अच्छे। आ सरदार साहब ने एक बारी चिराग मिलया, इन्हें इंज करके रगड़ाया, विचो जिन निकलया। जिन कहंदा क्या हुक्म है मेरे आका? कहंदे मैनू 5-6 कनाल दा घर लै दे। कहंदे यार तू पागल ते नहीं, मैं चिराग च रहण डया, तैनू कनालां च घर लै दे। फनी भाई ने भी चिराग लभया। अच्छा इन्होंने एडी जोर ना रगड़े, जिन ने चपेट मारी गई, कहता मेरी बांह छिल दी। नहीं समझ आ रही? नहीं नहीं समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, मैनू भी थोड़ी जी आंदी है। अच्छी बात है, ठीक है। नहीं साड़ी माशाल्लाह जिहड़ी आर्टिस्ट है ना, उन्होंने पंजाबी आंदी है जी, लेकिन वो आम जिनके जगह ते नहीं, ना ड्रामे ना रिकॉर्डिंग च बोलदी है, जो घर च लैंदे ने दरवाजे नूं कुंडी ला के, उदों इन्नी पंजाबी। ए तेरा कख ना रे, फिर टुट पैणे आ। पंजाबी में बातें
बनाने में ज्यादा मजा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ. और वैसे भी फील्ड में ज्यादातर लोग लाहौर से हैं, तो आई थिंक वो ज्यादा पंजाबी में बोल रहे हो. नहीं, लाहौर में उर्दू पंजाबी का मिक्सचर है, मिल्क शेक टाइप. खाला जी ठीक कह रहे हो. यार देखिए, आपके सामने परी बैठी है और आप क्या फजूल, क्या बात है, वाकई परी लग रही हैं आप. सही है. किसको काफ से आई? कराची से. कराची, कराची अपना कराची जिंदाबाद. जी तो सहर, मुझे एक बात बताइए. दो बातें. शादी कब कर रही हो? अभी थोड़ी. अभी 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 के अभी. नहीं, मैंने कहा आगे भी सुने, आगे हौला रखे. अच्छा. शादी ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, आपको सोच समझ के करनी चाहिए. तो सोच समझ रही है? नहीं, अभी तो बहुत कुछ है सोचने के लिए. ख्वाबों का शहजादा तो हर किसी का होता है. मेरा नहीं है. ये ना बात करो. इतनी अच्छी एक्ट्रेस, इतनी इमोशनल, कोई ख्वाब तो होता है ना. मुझे बताएं ख्वाबों का शहजादा क्या होता है? शहजादे की हाइट क्या हो? अच्छा, मैं हाइट कॉन्शियस हूँ. हाइट तो क्यों? मुझे लगता है लंबे लड़के अच्छे लगते हैं. ब्याह करना है तो उनको पक्के साफ कराने. पक्के मैं नहीं साफ कराने. अच्छा, क्या आपको लड़का हाइट कितनी होनी चाहिए? लाइक 5'9" 6'. हैं? 5'8". यार मेरी एज और हाइट पता नहीं किस तरह लीक हो जाती है, मुझे पता नहीं. हाइट तो जी 5'8" से लेके 6 फीट तक. मतलब लड़की जो है समझदार है और कितना खुला दिल है उसका. फंसी नहीं आके कि नहीं मैंने बोला 6 तो बस 6. ऐसी कौन सी आदत हो उसमें जो आदत आप देखें, तो जो आप अभी कह रही है ना, नहीं अभी तो मैंने सोचने के लिए जिंदगी में और बहुत कुछ है. अच्छा, मैंने जिंदगी में और बहुत कुछ सोचना है. उसकी ऐसी आदत देखें आपके के है मेरी पुरानी सोचो, जाओ चली जाओ. मेरे लिए एक जो चीज बहुत मैटर करती है ना, वो करती है फैमिली. अगर मुझे लगता है ना कि एक लड़का अपनी फैमिली को, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को, अपने बहन भाइयों को उतनी इज्जत देता है, तो अपने आने वाली जो भी उसकी होगी लाइफ पार्टनर, वो उसको भी उतनी इज्जत देगा. एक मिनट. वाह, क्या जवाब है. कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं अभी ब्रेक ले ही नहीं रहा. यानी कि ब्रेक साढ़े इतने फसा के. अच्छा सर. अच्छा सर जी, ये बताएं, जो अभी जिन्नों की बात हो रही थी, तो आप इस बात को मानती हैं? अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना थोड़ी सी नॉन सीरियस थी इन चीज़ों को लेके. फिर मेरे साथ ना एक सीन हुआ, उसके बाद ना मैं थोड़ी सी डर गई. ये जिन्नों वाला? हाँ, और अब मैं ज़रा सीरियस लेती हूँ. एक दफ़ा ऐसी मैं और मेरी फ्रेंड रैंडम हम बैठ के बात कर रहे थे, तो वो बताई थी कि हमारे घर में कुछ बुजुर्ग हैं जो आते हैं. कौन आते हैं? बुजुर्ग आते हैं हमारे घर में, ये होती है, होती है. मैं बातें हाजिरी होती है हमारे घर बुजुर्ग. हाँ, हाजिरी होती है. अब मैं तफियों में लोगों, मैंने कहा अच्छा हाजिरी होती है, कह रही नहीं ऐसे मत बोलो, वो उनको सुनाई दे देगा. मैंने पहले भी बताया था ये बात. अब मैंने क्या किया, मैंने बोला अच्छा जी. अब मैं बैठी बेड पे फुल माहौल छाल बना के, मैंने कहा हाँ भाई बाबा शावा जो है आ जाओ, आओ फिर हाजिरी लगाओ आज मेरे सामने आओ. आप यकीन माने, आई स्वेयर, मैं जिस बेड पे बैठी हुई थी, मेरे पीछे एक विंडो थी जो कि बंद थी और जो खुलती भी नहीं थी. वो अचानक पता नहीं कैसे, आपको पता है धड़ 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 खिड़की बजी है. और लाइक मैंने, और मुझे उस वक्त उस मोमेंट होता ना, आप जब कुछ डरते हो तो आप कोई दुआ पढ़ते हो या आप अल्लाह का नाम लेते हो. मुझे उस वक्त मेरा, मैं इतनी सुन हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं, मैं सिर्फ अस्सलाम वालेकुम करूं. क्योंकि मुझे कोई दुआ याद ही ना आए. अस्सलाम वालेकुम. क्या हुआ? तू घर जाना हुण? नहीं अज नहीं मैं जाना. चल फिर तू अज रह, मैं जाना. कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा. पाकिस्तान के दिल में बसने वाली लड़की, जो कि फेरी टेल की हीरोइन है, जो कि एक परी है, अच्छी अदाकारा यही मौजूद है, सहर खान.